हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 35 के तहत दायर की जाने वाली कंप्लेंट किन किन स्टेज से होकर गुजरती है और उसमें फैसला कब आता है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिलता रहे। तो दोस्तों, मैंने एक वीडियो पहले करीब 6 महीने पहले एक वीडियो पोस्ट की थी जिसका टाइटल था कि डिफेक्टिव सामान और ख़राब सेवाओं का हर्जाना संबंधित कंपनी से उपभोक्ता आयोग के जरिए कैसे हासिल करें। ये एक मैंने वीडियो पोस्ट की थी करीब 6 महीने पहले जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की सेक्शन 35 से संबंधित थी। तो इसमें मैं इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आपको पूरी बात समझ आए। तो आज दोस्तों, मैं आपको बताऊँगा कि सेक्शन 35 के तहत जो फाइल की जाती है कंप्लेंट, यानी कि डिफेक्टिव गुड्स और सर्विसेज के लिए जो कंपनसेशन क्लेम करते हैं हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, वो किन किन स्टेज से होकर गुजरती है, उसमें क्या क्या प्रोसीजर होता है और वो जो है आर्ग्यूमेंट या डिसीजन के लेवल पर कब पहुंचती है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊँ कि सबसे पहले जो भी कोई डिफेक्टिव सामान या डिफेक्टिव सर्विसेज हैं, आपने जो हायर की हैं लेकिन वो ख़राब निकली, तो उसकी सबसे पहले आप एक कंप्लेंट तैयार करेंगे और वो कंप्लेंट सेक्शन 35 के तहत तैयार की जाती है। उसमें पूरे फैक्ट्स जो हैं सामान के, पूरे केस के फैक्ट्स और आपने कंपनी को जो है शिकायत भेजी उसका ब्यौरा भी देना है और कंपनी ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया या कंपनी ने कोई भी मुआवजा देने से मना कर दिया, कोई रिलीफ देने से मना कर दिया, तो तब जो है आप ये कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी फाइल की जाती है, स्टेट लेवल पर भी फाइल की जाती है और फिर नेशनल लेवल पर भी फाइल की जाती है। जैसे कंप्लेंट की वैल्यू होती है उसी हिसाब से हम इसको फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करता हूँ, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन, स्टेट कंज्यूमर कमीशन, फिर नेशनल कंज्यूमर कमीशन, ये तीनों जो हैं एक हायरार्की हैं जो कोर्ट्स हैं बनी हुई कंज्यूमर कोर्ट्स, और नेशनल कमीशन टॉप पे है, जो स्टेट में है स्टेट कमीशन है और हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन बना होता है। तो सबसे पहले आपको कंप्लेंट तैयार करनी है, उसमें पूरे फैक्ट्स आपको देने हैं और आपने उसमें प्रेयर बतानी है कि आप जो है कितना मुआवजा मांग रहे हो, कितना कॉम्पनसेशन आप कंपनी से मांग रहे हो फॉर डैमेजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और उसमें कितना आपका लिटिगेशन एक्सपेंसेस है और कितना आपका जो है जो आपने मेंटल हरेसमेंट सही है उसके लिए आप कितना क्लेम मांग रहे हो। तो ये सब चीज़ें तैयार करके आपको जो है ये कंज्यूमर कमीशन में आपको कंप्लेंट फाइल करनी है। इसके लिए एक एफिडेविट, इसमें एफिडेविट साथ में लगता है जो प्लीडिंग का पार्ट माना जाता है, और इस एफिडेविट का क्या महत्व है ये मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊंगा। तो दोस्तों, एक बार आपकी कंप्लेंट फाइल हो जाती है उसके बाद जो कंज्यूमर कमीशन है वो अपोजिट पार्टी यानी कि रेस्पोंडेंट डिफेंडेंट जो भी है उनको समन इशू करता है और उनको कोर्ट में हाजिर होने के लिए बुलाता है। ये दूसरी स्टेट है, यानी कि नोटिस टू अपोजिट पार्टी। फर्स्ट स्टेज है कि कंप्लेंट फाइल है, फाइल कर दी। दूसरी स्टेज में नोटिस टू अपोजिट पार्टी है, उसमें अपोजिट पार्टी को समन किया जाता है अपीयर होने के लिए, और एक बार वो अपीयर हो जाते हैं फिर थर्ड स्टेज आती है रिटन स्टेटमेंट की, यानी कि अपोजिट पार्टी आपका जो दावा है, आपका जो क्लेम है उसके संबंध में अपोजिट पार्टी का क्या कहना है, उनका क्या स्टैंड है, वो एक प्रॉपर रिटन स्टेटमेंट जो है फाइल करते हैं। उस रिटन स्टेटमेंट में दो पार्ट होते हैं, एक प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस होते हैं और दूसरा होता है रिप्लाई ऑन मेरिट्स। उसमें वो सब चीज़ें जो है लिखते हैं अपोजिट पार्टी
कि वो जो है क्या इस संबंध में वो कहना चाहते हैं, इसमें जो कंपनसेशन है वो देना चाहते हैं नहीं देना चाहते हैं। और ऑलमोस्ट जो मैंने देखा है कि ये जो अपोजिट पार्टी अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में सब चीज़ों को डिनाई करती है और वो जो है जो कंज्यूमर के क्लेम को जेन्युइन नहीं मानती है और ये प्रेयर करती है कोर्ट से कि हैवी कॉस्ट के साथ ये इनका जो है दावा, इनकी कंप्लेंट जो है वो खारिज की जाए। तो दोस्तों रिटर्न स्टेटमेंट फाइल होने के बाद केस थोड़ा आगे बढ़ता है, उसके बाद बात आती है कंप्लेनेंट का एविडेंस, क्योंकि जो है सिविल सूट के से थोड़ा अलग है ये। सिविल सूट में रिटर्न स्टेटमेंट के बाद जो कंप्लेनेंट है यानी कि जो पेटिशनर है वो उसमें जो है रेप्लिका या रेप्लिकेशन भी फाइल करते हैं, लेकिन कंज्यूमर कोर्ट्स में रेप्लिका या रेप्लिकेशन फाइल करने का कोई प्रावधान नहीं है। तो रिटर्न स्टेटमेंट के बाद केस सीधा जो है कंप्लेनेंट के एविडेंस पे आ जाता है। अब ये कंप्लेनेंट का एविडेंस क्या होता है, जो एफिडेविट मैंने आपको बताया था कि जो हम कंप्लेंट के साथ एफिडेविट लगाते हैं वो जो है एग्जिबिट करना होता है कोर्ट में, उसको मार्क करना होता है, ये एग्जिबिट में आता है इसलिए इसको मार्क किया जाता है। और जो डॉक्यूमेंट्स आपने जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट साथ में लगाए हैं उनको भी एग्जिबिट किया जाता है और उनको नंबर दिया जाता है एग्जिबिट C1, C2, C3 और जो इसमें एफिडेविट होता है वो CW A1 होता है। तो ये सब चीज़ें आप उसमें एग्जिबिट में लेके आएंगे। उसके बाद कंप्लेनेंट के एग्जिबिशन जो है एविडेंस के बाद फिर रेस्पोंडेंट के एविडेंस में वो अपना एफिडेविट, जो रेस्पोंडेंट है यानी कि अपोजिट पार्टी है वो अपना एफिडेविट टेंडर करते हैं और दूसरे डॉक्यूमेंट्स जो है उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वो टेंडर करते हैं। ये पांच जो है चौथी स्टेज है एक कंज्यूमर कंप्लेंट की। और ये सब कंप्लीट होने के बाद फिर पांचवी स्टेज है आर्ग्यूमेंट की, ये तब जो है केस आर्ग्यूमेंट में लग जाता है। और आर्ग्यूमेंट में जो है जब केस लगेगा तो दोनों पक्षों की बहस होती है और बहस में दोनों पार्टियां यानी कि कंप्लेनेंट साइड भी और रेस्पोंडेंट साइड भी वो अपने अपने सपोर्ट में जो साइटेशंस देते हैं माननीय हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स जो उनके केस से रिलेटेड होते हैं अपने अपने पक्ष में वो उसको जो है साइटेशन सबमिट करते हैं। और उसके बाद आर्ग्यूमेंट कंप्लीट होने के बाद तब उसका जो है जजमेंट आ जाता है और जजमेंट जो है कंप्लेंट के पक्ष में भी हो सकता है, उसके अगेंस्ट भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि कंप्लेनेंट को कंज्यूमर कोर्ट कोई ना कोई रिलीफ ज़रूर देती है किसी ना किसी तरह से, या तो जो है मेंटल हैरेसमेंट के तौर पे या डैमेजेस के तौर पे या कोई जो है लिटिगेशन चार्जेस के तौर पे। तो कुल मिलाकर जो है कोई ना कोई रिलीफ या डायरेक्शन अपोजिट पार्टी को देती है। तो दोस्तों ये आज मैंने आपको बताया कि एक कंज्यूमर कंप्लेंट किस किस जर्नी से होकर गुजरती है और इसमें कब फैसला आता है।